जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी को विदित कराने के लिए कि आज सूर्य और बुध कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुधादित्य योग बना रहे हैं कर्क राशि में। अब इसके फोल्ड्स कितने हैं, इसकी कितनी परतें हैं, चलिए इस विषय में जानते हैं हम। काफ़ी परतें मैं खोल चुकी हूँ, सूर्य और बुध का अलग अलग वीडियो आपको दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, फिर से दोबारा देख लीजिए। और बाकी जो बच गया था, जो अब दिमाग में आया है, उसकी चर्चा मैं आप कर रही हूँ। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/BeautyWithAstrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहा है। ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कर्क में होते हुए काफ़ी पहलू जान चुके हैं हम। एक पहलू इसका बाकी है कि इस पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है, तो सूर्य पर तो गुरु की दृष्टि काफ़ी अच्छा असर दे रही है, बुध पर गुरु की दृष्टि अच्छा असर नहीं देती है, और शनि की दृष्टि सूर्य पर अच्छा असर नहीं देती है। मेष राशि के लिए चतुर्थ में बने बुध सूर्य पर गुरु की दृष्टि जो है वो संभाले रहती है स्थिति को हर बार, और बुध पर जो गुरु की दृष्टि है बेचैन करती है आपको। आप बुध से रिलेटेड जितने उपाय हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और वो बुध के उपाय कीजिए। साथ साथ ये भी बता दूं कि शनि की दृष्टि है सूर्य पर, तो सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जाप करना एनी टाइम बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, आपके लिए अब सूर्य पर जो शनि की दृष्टि है उसके कारण यात्रा में संभल के जाना, हड्डियों की चोटों से बचना, किसी भी प्रकार की चोट से बचना, अपने खाना पीना और अपनी दवाइयां वगैरह देकर साथ चलना, सावधानी बरतना, अपनी पेपरबाजी वगैरह सब ठीक से करना, और साथ साथ सरकारी दरबारी काम ठीक से करना। अब बुध के लिए ये हिदायत दी जाती है कि मानसिक बेचैनी अगर है तो बुध का डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने उपाय, वो देखिए। सूर्य के लिए आप जल नहीं चढ़ा सकते तो वो मत कीजिएगा। मिथुन राशि के लिए आपके लिए बुध पर जो दृष्टि है गुरु की वो थोड़ी बेचैन करती है आपको, और आप अपने बुध के उपाय कीजिए, अपना लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और आगे बढ़िए। और सूर्य पे जो शनि की दृष्टि है उसके लिए गायत्री के जाप कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, और साथ साथ अपने सरकारी दरबारी कामों में सजग रहिए। संचित धन को खराब मत कीजिए, अपने पैसे परिवार पर भी बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिए, संभल के रहें, यात्राओं में भी छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखिए। कर्क राशि, आपके लिए अब सूर्य पर जो शनि की दृष्टि है उसके लिए बताना ज़रूरी है कि परिवार में विघटन ना पैदा करें, अपने पैसों को बचा के रखें। और जो बुध पर गुरु की दृष्टि है उसके लिए एक बात कही जाती है कि आपको खर्चों पर कंट्रोल, यात्राओं में सावधानी से जाना, प्रेम संबंध ना बिगाड़ना, ये हिदायत दी जाती है। आपके लिए एक बात और कही जाती है कि आप कर्क में जो सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग बनता है वो आपको काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड उत्थान देता है, तो समझदारी तो आप में खूब रहेगी। सिंह राशि, आपके लिए सूर्य और बुध का ये मिलन विदेश रिलेटेड काम तो बनाता है, लेकिन आपके पेपरबाजी से रिलेटेड कोई गलत डिसीजन, पर्सनालिटी आपकी ऐसी ना हो जिससे कुछ गलत हो, क्योंकि शनि की दृष्टि है, और प्रेम संबंध खराब ना हो इसका भी ध्यान रखना है आपके बोलने चलने से, और आपका धन भी खराब ना हो इसका भी ध्यान रखना है। बुध के उपाय आप देख सकते हैं। सूर्य के लिए तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, गायत्री के जाप वगैरह कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए अब देखा जाए तो धन को संभाले रखना, क्योंकि अंधाधुंध खर्च ना हो जाए, और आपके काम, केस, विवाद, इन पर ध्यान रखना, समझदारी से करना उनको, और कोई भी गुस्सेबाजी ना करते हुए, और अपने डिसीजंस काम के लिए भी सही रखें, अपनी पर्सनालिटी के लिए भी सही रखें। बुध के उपाय देखें और सूर्य को निरंतर जल वगैरह रोज़ रोज़ चढ़ाते रहें, गायत्री के जाप करें, बड़े भाई बहनों के साथ बना के रखें। तुला राशि, एक बात है कि बुधादित्य योग दशम में बनने से बहुत अच्छी स्थिति होती है, पैसा आएगा, धन आएगा, काम होंगे, कई सारे काम आपके बन तो रहे हैं लेकिन आधे अधूरे, आप खुश नहीं उसमें,
खर्चे भी अंधाधुंध हैं और आप बेचैन हैं अपने धन लाभ को लेकर के, इस विवाद, इन सब चीज़ों को लेकर, तो संभल के चलें और संभल के ही काम करें। आपके लिए कहा जाए तो आप अपने जो पैसे आ रहे हैं ना, उनको फ्रीज करके रख दीजिए। वृश्चिक राशि, आप देखिए कि तबीयत को संभालना ज़रूरी है, पेट से रिलेटेड समस्याएं ना हो, और ये भी ज़रूरी है कि अपना पैसा भी संभाल के रखें, और ये भी ज़रूरी है कि काम जो आ रहे हैं उनके लिए उदासीन ना हो। अच्छे काम हैं, ऑफर्स हैं, एक्सेप्ट कीजिए। बुधादित्य योग बना है तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के जाएगा, और सूर्य भाग्य में आया तो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी मिलेंगे, लेकिन समझदारी से बिना गलत लोगों से हाथ मिलाए आगे बढ़िएगा। गायत्री के जाप और सूर्य को जल चढ़ाना आपको हेल्प करेगा। आपको बुध के उपाय नहीं करने हैं, आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। धनुराशि, अब आपके लिए कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल है आपकी हेल्थ, तो बुधादित्य योग अष्टम में बना आगे चल के तो काम देने वाला है सूर्य। फिलहाल गलत डिसीजन ना हो, कोई हड्डी से रिलेटेड, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन वगैरह, तबीयत खराब होना, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इनसे सब कोई दिक्कतें हैं तो अपनी तबीयत का डायग्नोस वगैरह कराएं, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करें, और पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो भी ध्यान रखें। वैसे व्यवसाय के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि, अविवाहित जीवन का जोड़ा आपके साथ बनाए के रखता है और आप भी बना के रखें, कोई भी तरह की बेचैनी करने से तबीयत बिगड़ेगी तो वो ना करें, और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के बिजनेस को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना चाहिए आपको। बुधादित्य योग आपके बुध को भी सपोर्ट करता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी बेचैनियाँ हैं उसके लिए आपको संभल के रहना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके कई सारे काम जिसमें मानसिक बेचैनियाँ आपको लग रही हैं, तो भी जो बुध है वो श्रेष्ठ भाव में अच्छा माना गया है और गुरु की दृष्टि उसको थोड़ा सा बेचैन करती है, इसलिए आप अपना पैसा संभालें और तबीयत पर पैसा खर्च हो सकता है। हो सकता है कि आपके विवाहित जीवन में कटुता जो है वो शनि की दृष्टि के कारण आए, इसलिए आप एक तो अपनी तबीयत भी संभालें, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखें। और एक बात और आपसे कह दूँ कि आप सूर्य की आराधना नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा। आप सूर्य की रोशनी में ओम बोल सकते हैं, सूर्य के स्नान ले सकते हैं, बाथ ले सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए सूर्य को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना उत्तम रहेगा। बुधादित्य योग बच्चों की उन्नति कराएगा, कई सारे काम बनाएगा, अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, आप मित्रों से सहायता ले सकते हैं, आपके व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण संभावना है, और आपको थोड़ी बहुत बेचैनी अगर है तो आपके धन से रिलेटेड, आप सरकारी दरबारी कामों में, केसेस, विवाद में ज़्यादा धन खर्च मत कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर, एक और एस्पेक्ट था ये कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, हमने अच्छाई भी बताई और आपको बताया कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी क्या था और कैसे इसका फ़ायदा भी क्या है वो आप देख चुके हैं। और बुध पर गुरु की दृष्टि भी थोड़ा सा बेचैन करती है बुध को, क्योंकि वो उसका मित्र ग्रह नहीं है। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चाएँ लेकर, अभी तो फिलहाल देखिए बुध और सूर्य का कर्क में जाना आपको क्या क्या फ़ायदा दे रहा है और थोड़ा बहुत जो नुकसान दे रहा है उसका ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।